हे गाइस, कैसे हो आप लोग। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आऊँ राइगर का रैपिड लिंक 1150। ये एक 65 वाट का गैलियम नाइट्रेट बेस्ड चार्जिंग एडेप्टर है। तो आइए आज करते हैं इस चार्जिंग एडेप्टर को अनबॉक्स, देखते हैं इसके फीचर्स को, डिजाइन को, परफॉर्मेंस को, प्रोटोकॉल्स को, और फाइनली ये भी देखते हैं कि क्या ये एडेप्टर लेने लायक है, क्या ये सच में 65 वाट का है। तो चलिए आज देखते हैं ये सब। राइगर का ये चार्जिंग एडेप्टर आता है कुछ इस टाइप की पैकिंग में, बीस सर्टिफाइड है, 65 वाट का ये गैलियम नाइट्रेट बेस्ड चार्जिंग एडेप्टर है, रैपिड लिंक 1150, राइगर कंपनी होगी। ये आईफोन, टैबलेट, पीसी, हेडफोन, लैपटॉप, गेमिंग कंसोल और कैमरा सभी को चार्ज कर सकता है। ब्रांड का लोगो हो गया। गैनफास्ट सपोर्टेड है, 65 वाट की टोटल आउटपुट है। बॉक्स में MRP है 4999 रुपीज़, और यहाँ पर एक QR कोड हो गया और वारंटी के लिए आपको इसको स्क्रैच करना होगा। तो यह है बॉक्स जिसमें ये एडेप्टर आता है। चलिए आप करते हैं इसको अनबॉक्स। बॉक्स में बस एक ही चीज़ है और वो है ये चार्जिंग एडेप्टर। तो यह है राइगर का 65 वाट का गैलियम नाइट्रेट बेस चार्जिंग एडेप्टर। वेट वाइज तो काफ़ी दमदार सा ये लग रहा है। इसके प्लग्स EU स्टैंडर्ड के हैं, ना कि इंडियन स्टैंडर्ड के। राइगर का लोगो हो गया। यहाँ पर टाइप ए और टाइप सी पोर्ट्स मिल जाएंगे। टाइप ए पोर्ट क्वालकॉम क्विक चार्ज 3.0 को सपोर्ट करता है और टाइप सी PD को। और यहाँ पर आपको इसके कुछ पैरामीटर्स पढ़ने को मिल जाएंगे। इसका साइज बेस अस के इस 30 वाट के चार्जर से भी छोटा है, जबकि ये 65 वाट का चार्ज। तो नो डाउट लुक एंड डिज़ाइन में और जो फीचर्स यहाँ पर बताए गए उसके हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी बढ़िया लग रहा है। चलिए अब इसको रियल टाइम में टेस्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इसकी आउटपुट प्रोटोकॉल्स को देख लेता हूँ। टेस्टिंग पर्पस के लिए मैं विट्रन के इस U2 का इस्तेमाल कर रहा हूँ। चलिए सबसे पहले इसके टाइप ए पोर्ट को देख लेते हैं। इसका टाइप ए पोर्ट एप्पल की 5 वोल्ट एट 2.4 एम्पीयर, सैमसंग की 5 वोल्ट एट 2 एम्पीयर, BC 1.2, DCP 5 वोल्ट एट 1.5 एम्पीयर, क्वालकॉम क्विक चार्ज 2.0 में 5 वोल्ट 9 वोल्ट 12 वोल्ट, क्वालकॉम क्विक चार्ज 3.0, सैमसंग की एडेप्टिव फास्ट चार्जिंग 9 वोल्ट और हुआवे की फास्ट चार्जिंग प्रोटोकॉल 5 वोल्ट और 9 वोल्ट इन सभी को सपोर्ट करता है। चलिए अब इसके टाइप सी पोर्ट को भी देख लेते हैं। इसका टाइप सी पोर्ट PD 3.0 में 20 वोल्ट एट 3 एम्पीयर मतलब कि 60 वाट, PPS में 5 वोल्ट 9 वोल्ट 12 वोल्ट 15 वोल्ट 20 वोल्ट 5 टू 11 वोल्ट, एप्पल की 5 वोल्ट एट 2.4 एम्पीयर, सैमसंग की 5 वोल्ट एट 2 एम्पीयर, BC 1.2, DCP 5 वोल्ट एट 1.5 एम्पीयर, क्वालकॉम क्विक चार्ज 2.0 में 5 वोल्ट 9 वोल्ट 12 वोल्ट, क्वालकॉम क्विक चार्ज 3.0, सैमसंग की एडेप्टिव फास्ट चार्जिंग 9 वोल्ट 12 वोल्ट और हुआवे की फास्ट चार्जिंग एट 5 वोल्ट 9 वोल्ट को सपोर्ट करता है। और ये PPS क्वालकॉम क्विक चार्ज 4 प्लस वाला एडेप्टर है। अकॉर्डिंग टू माई टेस्ट, इसका टाइप सी पोर्ट PD 3.0 में 20 वोल्ट एट 3 एम्पीयर मतलब कि 60 वाट और क्वालकॉम क्विक चार्ज 4 प्लस को सपोर्ट करता है। चलिए एक बार इसकी आउटपुट वाटेज को भी देख लेते हैं। टेस्टिंग पर्पज के लिए मैं SD35 को एज ए लोड इस्तेमाल कर रहा हूँ और विट्रन के इस U2 को एज ए मॉनिटर। चलिए सबसे पहले टाइप ए पोर्ट को टेस्ट करते हैं। मैं टाइप ए पोर्ट को इस समय क्वालकॉम क्विक चार्ज 3.0 से ट्रिगर कर रहा हूँ। मैं वोल्टेज को बढ़ाकर 5.44 वोल्ट कर रहा हूँ। इस समय 5.44 वोल्ट पर 2.17 एम्पीयर करंट हमें इस टाइप ए पोर्ट से मिल रहा है मतलब कि 11.8 वाट। चलिए करंट को बढ़ाते हैं। अकॉर्डिंग टू डाटा शीट ये इस समय 3 एम्पीयर तक मैक्सिमम दे सकता है। चलिए डायरेक्टली 3 एम्पीयर पर स्विच करते हैं। इस समय 5.42 वोल्ट पर 3 एम्पीयर करंट हमें टाइप ए पोर्ट से मिल रहे हैं मतलब कि 16.3 वाट। और अगर मैं इससे आगे करंट को बढ़ाता हूं तो वोल्टेज गिरना शुरू जाती है। चलिए वोल्टेज को और आगे बढ़ाते हैं। इस समय मैंने वोल्टेज को बढ़ा के 8.1 वोल्ट कर दिया है। इस सेटिंग पर मुझे 2 एम्पीयर तक करंट मिल जानी चाहिए। चलिए देखते हैं। तो इस समय 2 एम्पीयर करंट मैंने सेट कर दी है और वोल्टेज है 8.09। तो डेफिनेटली जो यहाँ पर डाटा लिखा हुआ है इसका टाइप ए पोर्ट क्वालकॉम क्विक चार्ज 3.0 में 3.6 वोल्ट से लेके 6.5 वोल्ट एट 3 एम्पीयर, 6.5 वोल्ट से लेके 9 वोल्ट एट 2 एम्पीयर और 9 से 12 वोल्ट एट 1.5 एम्पीयर तक दे सकता है। तो डेफिनेटली इतना हमें मिल भी रहा है। चलिए एक बार 9 वोल्ट से बढ़ा के देखते हैं।
इस समय वोल्टेज मैंने कर दी है 10.79 वोल्ट, करंट है 1 एम्पियर, तो इस सेटिंग में मुझे 1.5 एम्पियर तक करंट मिल जानी चाहिए, डेफिनेटली मिल जा रही है। तो जो डाटा यहाँ पर टाइप ए पोर्ट के लिए लिखा हुआ है वो हमें मिल भी रहा है। चलिए अब टाइप सी पोर्ट को देखते हैं। टाइप सी पोर्ट से मुझे मैक्सिमम 65 वाट तक मिल जाने चाहिए, ठीक है। चलिए देखते हैं, इस समय एडाप्टर को मैंने PD 3.0 में ट्रिगर कर दिया है और यहाँ पर साफ लिखा हुआ आ रहा है कि ये PPS को सपोर्ट करता है और 60 वाट तक ये दे देगा। और यहाँ पर आप वोल्टेजेस का डिवीजन भी दे सकते हो, 5 वोल्ट पर ये 2.4 एम्पियर, 9 वोल्ट पर ये 3 एम्पियर, 12 वोल्ट पर ये 3 एम्पियर, 15 वोल्ट पर ये 3 एम्पियर, 20 वोल्ट पर ये 3 एम्पियर और 5 से लेकर 11 वोल्ट पर ये 3 एम्पियर तक दे सकता है। तो सबसे पहले मैं इसको 5 वोल्ट पर वेरीफाई कर लेता हूँ कि मुझे क्या 2.4 एम्पियर तक मिल जाते हैं। डेफिनेटली आराम से मिल जाते हैं, और अगर मैं इससे आगे भी बढ़ना चाहूँ अप टू 3 एम्पियर, यहाँ तक भी मैं आराम से इससे ड्रॉ कर सकता हूँ, और अगर आगे बढ़ूँ तो ये बंद हो जाता है। आगे देखते हैं, इस समय 9 वोल्ट पर मैंने स्विच कर दिया है और 9 वोल्ट पर 3 एम्पियर तक ये मैक्सिमम दे सकता है। चलिए देख लेते हैं, आराम से 9 वोल्ट पर मुझे 3 एम्पियर तक मिल जा रहे हैं, मतलब कि 27.3 वाट। आगे देखते हैं, इस समय 12 वोल्ट पर मुझे 2.83 एम्पियर मतलब कि 34.12 वाट मिल रहे हैं, और अगर मैं इससे आगे बढ़ूं, अब चूंकि ये जो मेरा लोड है ये मैक्सिमम 35 वाट तक ही सपोर्ट करता है, तो मुझे ओवर पावर प्रोटेक्शन की एरर मिल जाती है। इससे आगे टेस्ट करने के लिए मुझे बड़े लोड की जरूरत थी, तो मैं अब इस बड़े लोड को लगाने जा रहा हूँ। इस समय एडेप्टर से मुझे 12.016 वोल्ट पर 3 एम्पियर करंट मतलब कि 36.6 वाट मिल रहे हैं, जबकि अगर मैं लोड पर देखूं तो लोड पर मुझे 3 एम्पियर तो मिल रहे हैं, बट जो वोल्टेज है वो गिर के 11.29 वोल्ट हो गई है, मतलब कि पावर मुझे मिल रही है 33.9 वाट, तो लगभग 3 वाट इस केबल में ड्रॉप हो रहे हैं। चलिए करंट को और आगे बढ़ाते हैं, तो लगभग 3.3 एम्पियर पर शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन ऑन हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और मैं अब इसको 20 वोल्ट पर ट्रिगर कर रहा हूँ, तो इस समय 19.972 वोल्ट पर 3.05 एम्पियर मतलब कि 60.9 वाट मुझे इस एडेप्टर से मिल रहे हैं थ्रू टाइप सी पोर्ट। और यहां पर अगर आप देखोगे 19.1 वोल्ट पर 3 एम्पियर मतलब कि 57.3 वाट मिल रहे हैं, तो लगभग 3 वाट यहां पर केबल में ड्रॉप हो रहे हैं। और अगर मैं इससे आगे करंट को बढ़ाता हूं तो वाटेज बढ़ रही है, तो इस समय 19.976 वोल्ट पर 3.25 एम्पियर करंट जा रहे हैं मतलब कि 64.9 वाट मुझे इस एडेप्टर से मिल रहे हैं। और अगर मैं और आगे करंट को बढ़ाता हूं तो एडेप्टर रीसेट हो जाता है। अब मैं यहां पर कंफर्म करके कह सकता हूं कि रैगर का ये चार्जिंग एडेप्टर 65 वाट का वेरीफाइड BCD टेक्नोलॉजी वेरीफाइड चार्जिंग एडेप्टर है। अगर आपकी डिवाइस 65 वाट की PD 3.0, PPS या फिर क्वालकॉम क्विक चार्ज 3.0 या फिर 4 प्लस को सपोर्ट करती है, तो आप डेफिनेटली इस चार्जिंग एडेप्टर को मंगवा सकते हो फॉर योर मोबाइल फोन, फॉर योर टैबलेट, फॉर योर लैपटॉप्स। इवन दोस्तों आप इस एडेप्टर से छोटी डिवाइसेस को भी चार्ज कर सकते हो, मोबाइल फोन को भी चार्ज कर सकते हो, आप सैमसंग के, MI के, रियलमी के, ओप्पो के, वीवो के, वन प्लस के मोबाइल फोन को इसे चार्ज कर सकते हो। ये 5 वोल्ट, 9 वोल्ट, 12 वोल्ट, 15 वोल्ट, 20 वोल्ट, PD 3.0, PPS, क्वालकॉम क्विक चार्ज 3.0, 2.0, 4 प्लस, हुआवे की फास्ट चार्जिंग, सैमसंग की एडेप्टिव फास्ट चार्जिंग, एप्पल की फास्ट चार्जिंग, इन सभी को सपोर्ट करता है। तो मैं तो इसको रेकमेंड करता हूं। बाकी आप बताइए कि आपको ये अडेप्टर कैसा लगा। अगर आप इस अडेप्टर को मंगवाना चाहते हो, इसका परचेजिंग लिंक मैं आपको वीडियो के नीचे दे दूंगा, आप वहां पर जाकर इसको खरीद सकते हो। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, और ये अडेप्टर भी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, और अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। अगर सब्सक्राइब कर ही रहे तो साथ में जो बेल आइकन है, घंटे वाला जो निशान है, उसको ऑल करके बजा जाना, ताकि आप लोगों से मेरी कोई फ्यूचर अपडेट, कोई फ्यूचर स्टेप की वीडियो मिस ना पाए। नमस्कार, बाय बाय।